हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम हेयर विथ यू एंड दिस इज़ योर इंग्लिश राइटिंग सेशन। प्रीवियस इंग्लिश राइटिंग सेशन में हमने किया था हमारा लेटर आई, आज हम करेंगे हमारा न्यू लेटर लेटर जे। जे ज जार, जे ज जार, जे ज जूस, जे ज जैकेट, जे ज जीप। जे का फोनिक साउंड है ज। अब हम देखते हैं इसको किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होगी कैपिटल एंड स्मॉल बोथ मैनर में। सबसे पहले इस तरीके से ट्रेस कीजिए, स्मॉल स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। स्मॉल स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन नीचे से कर्व। स्मॉल स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व। ये है कैपिटल जे। जब आप ट्रेस कर लेंगे उसके बाद विदाउट एनी हेल्प, स्मॉल स्लीपिंग लाइन लाइक दिस, स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व। वन मोर, स्मॉल स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व लाइक दिस। ये है कैपिटल जे और जे का फोनिक साउंड है ज। स्मॉल स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व। स्मॉल स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व। जे ज जार, जे ज जूस, जे ज जैकेट, जे ज जी। इसी तरीके से एक बार फिर से देख लेते हैं। स्मॉल बहुत ही ईजी है, स्मॉल स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हमें सारे स्ट्रोक्स तो आते ही हैं, देन उसके बाद नीचे से कर्व लाइक दिस। स्मॉल स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व। ये है कैपिटल जे। अब देखते हैं स्मॉल जे फॉर्मेशन। स्मॉल जे ब्लू लाइन से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, पहले स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व एंड वन डॉट लाइक दिस। पहले आप इसे ट्रेस कीजिए जिससे आपको पता चल जाए कि इसे किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन करनी है। पहले आप ट्रेस करेंगे जिससे आपके आपको हैंड की मूवमेंट पता चल जाएगी कि इसकी फॉर्मेशन करने के लिए आपको किस तरीके से अपने हैंड को मूव करना है। उसके बाद विदाउट एनी हेल्प इस तरीके से, देन डॉट कर्व, देन डॉट, वन मोर स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व एंड डॉट। ये है स्मॉल जे। सो स्टूडेंट्स, आपको इसी तरीके से पेज नंबर 28 और पेज नंबर 29 कैपिटल जे एंड स्मॉल जे की फॉर्मेशन करनी है और अपनी इंग्लिश हैंड राइटिंग बुक का पेज नंबर 28 और 29 कंप्लीट करना है। ध्यान रखिएगा, होमवर्क करने से पहले डेट मेंशन करना ना भूलें। ये था आपका होमवर्क। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंग्लिश राइटिंग सेशन में। बाय बाय, विल मीट अगेन।